आप लोगों में से पशुपति व्रत किस किसने करे हैं, जरा हाथ उठाइए। करे हैं सबने? रखो पशुपति व्रत करे होंगे तो आप लोगों के स्मरण में होगा कि हमने पहले पशुपति व्रत में एक उपाय आप लोगों के पशुपति व्रत करने वालों के नियम का हमने वर्णन किया। कितने दिए लेकर जाते हो आप लोग, जम के बोलो जरा। छह दिए मंदिर में ले जाकर जमीन पर रख देते हो, रखते हो। कितने जलाते हो? पांच दिए जलने के बाद जो छठे नंबर का दिया है उसको बाकी जो बिना जला है उसको थाली में रखा है। इसके अलावा तो कोई दिया लेकर नहीं जाते, जम के बोलो जरा। अब कोई ऐसा समझदार व्यक्ति ऐसा होता है कि वो क्या करता है कि इन्हीं पांचों दिए को उठा लेता है और उससे भगवान शंकर की आरती उतार देता है। कोई ऐसा रहता है कि वो छह दिए के अलावा एक दिया या एक बाती अलग से लेकर जाता है जो भगवान शंकर की आरती उतार देता है। शिव पुराण में पशुपति व्रत का नियम है, आप सुबह के समय पर जो पूजन करने की थाली लेकर गए हैं, सुबह के समय पर आप भगवान शंकर की जो पूजा की थाली लेकर गए हैं, उस पूजा की थाली में सुबह के समय पर आप भगवान को लगाने के लिए दिया लेकर जाओ, मना नहीं है। सुबह के समय पर आप भगवान शंकर को दूध चढ़ाओ, जल चढ़ाओ, अभिषेक करो, पूजन करो, अर्चना करो, मना नहीं है। सुबह के समय तुम महादेव की दिए से आरती उतार दो, मना नहीं है। पर शाम के समय पर जो छह दिए हैं, छह दिए के बाद में सातवें नंबर की कोई बाती आरती की थाली में नहीं जाती। कोई बाती ऐसा नहीं जाएगी कि आप पूजन करिए और पूजन करने के बाद आपने भगवान की आरती उतार दी ना। शिव महापुराण में तो यहाँ तक नियम है कि आप जो प्रसाद बनाते हो ना, जो आप खीर बनाए या आपने सीरा बनाया, हलवा बनाया, मीठा चावल बनाया, या आपने मीठा सीरा बना लिया, खीर बना ली, कोई सामग्री मीठी बना ली, तो शिव महापुराण तो यहाँ तक कहती है कि आपने जितना सामान कढ़ाई में बनाया है, आपने जितना सामान अपनी कढ़ाई के अंदर बनाया है, उतना सामान पूरा के पूरा ही आपको मंदिर लेकर जाना है। घर के अंदर आदत छोड़ना नहीं। दो चीजें हैं जो चलित में किसी को दी नहीं जाता, दो चीजें। आरती शिव महापुराण की कथा आप लोग सुन रहे हैं, बड़े ध्यान लगाकर सुनना। दो चीजें हैं जो चलित में किसी को दी नहीं जाती। एक अपने घर का तवा, तवा जानते हो जिस पर रोटी बनाते हो, कोरा तवा है, उस पर आपने कभी रोटी नहीं बनाई है तो आप किसी को दे सकते हो, मना नहीं। पर यदि जिस तवे पर घर के अंदर रोटी बन चुकी है, जिस तवे पर रोटी उतर चुकी है, उस घर के तवे को किसी को नहीं दिया जाता। क्यों? क्योंकि घर में जो बच्चे हैं वो बीमार के बीमार बने ही रहते हैं, वो कभी स्वस्थ नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। अगर एक बच्चा बीमार है तो दूसरा ठीक होगा, दूसरा बीमार है तो तीसरा ठीक होगा, तीसरा है तो चौथा बीमार पड़ेगा, ये निश्चित। दो चीजें चलित में किसी को नहीं दी जाती, एक तवा, दूसरे नंबर की कढ़ाई। घर में जो कढ़ाई होती है जिसमें आप सब्जी बना ली है, कोई सामग्री तल ली आपने, पूड़ी बना ली, कोई सब्जी बना ली, कोई हलवा बना लिया, सीरा बना लिया, कोई पदार्थ बना लिया, कोरी कढ़ाई है ना, आपकी मर्जी पड़े उसको दे दो चले। कोरी कढ़ाई है ना, आप किसी को भी दे सकते हो। पर जिस कढ़ाई में आपने भोजन का निर्माण कर लिया है, जिस कढ़ाई में
आपने कभी भी एक बार भी अगर कुछ बना लिया है तो वो किसी को गिफ्ट में या किसी को दान में या किसी को दी नहीं जाती। नहीं तो उस घर के अंदर एक रुपया कमाओ सवा रुपए खर्च वाला काम चलता है, घर में कभी पैसा टिक ही नहीं सकता। वो जिंदगी भर कितना भी प्रयास करे, वो अपने जीवन में कितना भी प्रयास कर ले, घर में पैसा नहीं टिकेगा। वो भले कुबेर का खजाना लेकर आ जाए, चाहे वो दुनिया का भंडार भर कर ले जाए, पैसा आएगा जाएगा, घर के अंदर टिक नहीं। दो चीजें चलित में दी नहीं जाती। आपको बोलना है कौन कौन सी चीजें हैं। पहले नंबर की तवा, दूसरे नंबर की हमारे यहां ये दो चीजें दी नहीं, हम इसको देते नहीं। देना है? हाँ, यदि वो कोरी है, उसमें ना रोटी बनाई गई है ना उसमें कोई सामग्री बनाई गई है, अगर वो कोरी है तो आप दे दो। और यदि एक बार भी अगर वो प्रयोग में आई है तो वो नहीं, उसको देते नहीं, उसको दिया नहीं। शिवपुराण भगवान शंकर का पावन चरित्र कह रहा है, पशुपति व्रत करने वाली माताओं के चित्त वृत्ति में यह बात बैठना चाहिए। चाहे भाई पशुपति व्रत कर रहे हो, बेटे कर रहे हो, माताएं कर रही हो, बच्चे कर रहे हो, उनके बुद्धि में यह बात बैठना चाहिए कि सुबह के समय जाकर आप भगवान की पूजन करो, अर्चना करो, आरती करो, मना नहीं है, पर शाम के समय पर छह दिए के सिवाय एक बत्ती भी मंदिर के अंदर थाली के अंदर रखकर नहीं जाती आरती उतारने के लिए। अगर तुम्हें आरती उतारना है तो साथ में छोटा सा कपूर का टुकड़ा अपनी आरती की थाली में लेकर चले जाओ, पर बाती और दिया नहीं जाए। बाती और दिया नहीं, वैसे तो आप लोग लेकर नहीं गए हो, मुझे विश्वास है कि आप लोग लेकर नहीं गए, और लेकर गए भी होगे तो उसका फल आपको फिर प्राप्त नहीं हुआ होगा, तो आप लोगों ने दूसरों से कहा होगा हमने तो करा पर हमें फल नहीं मिला। उसका कारण केवल इतना है कि आप उसका फल प्राप्त नहीं थे। और शंभु चरणे मांगू घड़ी रे दुख का पशुपति व्रत के अंदर शाम के समय पर जब भगवान की आप आवाज गूंज रही है, सब दूर आवाज रिटर्न आ रही है, गला पकड़कर बोलना पड़ रहा है, उसको मिठास डाली है, पशुपति व्रत के अंतर्गत शाम के समय पर भगवान की आरती उतारने के लिए दिया नहीं जाता। केवल कपूर का एक टुकड़ा, केवल एक कपूर का आप लेकर चले जाओ, और वो भी